Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn some important words and sentences that we use while studying. Friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे sentences जो अक्सर स्कूल और कॉलेज में बोलने पड़ते हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में पूछना होता है कि तुम्हारा एग्जाम कब से शुरू है. तो फ्रेंड्स, अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका एग्जाम कब से शुरू है, तो आप कहेंगे When does your examination begin? मतलब आपका एग्जाम कब से शुरू है. अगर आपको कहना हो उसका एग्जाम कब से शुरू है, तो आप कहेंगे When does her examination begin? फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कहते हैं कि उसको कुछ आता जाता नहीं है. तो जब आपको कहना हो कि उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज गुड फॉर नथिंग. आप ये भी कह सकते हैं ही डजंट नो एनीथिंग. अगर कहना हो आपको कुछ आता जाता नहीं है, तो आप कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग. आप ये भी कह सकते हैं यू डोंट नो एनीथिंग, यानी आप किसी भी काम के नहीं हो, बिल्कुल बेकार इंसान हो. फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में ये कहना होता है कि मन लगा कर पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, पूरी मेहनत से पढ़ो. जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ती है, तो आप कहेंगे सी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज. अगर आपको कहना हो मेरा लड़का पूरा मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो आप कहेंगे माय सन टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज. अगर कहना हो अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ो, तो आप कहेंगे टेक कीन इंटरेस्ट इन योर स्टडीज. आप अच्छे तरीके से मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे यू डोंट टेक कीन इंटरेस्ट इन योर स्टडीज. फ्रेंड्स, एग्जाम चल रहे हैं और जल्दी ही आपको ये सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे कि स्टूडेंट को रिजल्ट कल पता चलेगा, या स्टूडेंट को रिजल्ट आज पता चलेगा, या परसों पता चलेगा. तो आप कहेंगे द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो. अगर आपको कहना हो मेरा रिजल्ट कल पता चलेगा, आई विल नो माई रिजल्ट टुमारो. फ्रेंड्स, अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे और अक्सर बोलते भी होंगे कि वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि स्कूल जाते तो हैं लेकिन अक्सर स्कूल से फरार रहते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वो अक्सर स्कूल से भाग जाता है, तो आप कहेंगे ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल. आइए फ्रेंड्स, अब इन सब वर्ड्स के बारे में देखते हैं. अक्सर एग्जाम टाइम में टीचर को ये कहना पड़ता है कि बच्चों समय खत्म हो चुका है, कॉपी दे दो. तो अगर आपको कहना हो कि बच्चों टाइम खत्म हो गया है, कॉपी दे दो, तो आप कहेंगे Boys, time over, hand over your copy. कई बार हमें ये कहना पड़ता है कि टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैंने कॉपी जमा कर दिया, या मैंने कॉपी दे दिया. तो आप कहेंगे टाइम वॉज ओवर सो आई हैंडेड ओवर द कॉपी. फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट को भी कहना पड़ता है कि नया टाइम टेबल 1 जुलाई से लागू होगा, या नया टाइम टेबल 1 मार्च से लागू होगा. तो आप कहेंगे द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मार्च. नया टाइम टेबल 1 मार्च से लागू होगा. फ्रेंड्स, अक्सर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल साहब उसका टेस्ट लेते हैं, और अक्सर प्रिंसिपल साहब को ये बात कहनी होती है कि यह बच्चा सेकंड में नहीं चलेगा,
या यह बच्चा थर्ड में नहीं चलेगा। यानी उनके कहने का मतलब ये रहता है कि यह बच्चा सेकंड क्लास के लिए जीरो है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि यह स्टूडेंट सेकंड क्लास में नहीं चल सकेगा, तो आप कहेंगे दिस बॉय, आप यहाँ पर स्टूडेंट का भी यूज कर सकते हैं, दिस स्टूडेंट won't be able to get on the second class। यानी यह लड़का या यह स्टूडेंट सेकेंड क्लास में नहीं पढ़ पाएगा, या इसका लेवल सेकेंड क्लास में पढ़ने का नहीं है। फ्रेंड्स, अक्सर जब बात पढ़ाई लिखाई की होती है तो हम कहते हैं इंग्लिश मेरे लिए हवा है या मैथमेटिक्स मेरे लिए हवा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैथ्स मेरे लिए हवा है, तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स इज माय बग बियर, यानी मैथमेटिक्स मेरे लिए हवा है। अगर आपको कहना हो अंग्रेजी मेरे लिए हवा है, इंग्लिश इज माय बग बियर। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है ही इज जूनियर टू मी बाय वन ईयर। फ्रेंड्स, अक्सर आपको कहना पड़ता है कि वह मुझसे एक साल पीछे है या वह मुझसे दो साल पीछे है। तो अगर आपको कहना हो कि वह मुझसे एक साल पीछे है, तो आप कहेंगे ही इज जूनियर टू मी बाय वन ईयर। अगर आपको कहना हो कि वह मुझसे दो साल पीछे था, तो आप कहेंगे ही वाज जूनियर टू मी बाय टू ईयर्स, यानी वो मुझसे दो साल पीछे था। फ्रेंड्स, जब हम एग्जाम देते हैं तो चाहे पेपर इजी हो या हार्ड, हमें ये सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं कि पेपर किसने बनाया है। तो अगर आपको पूछना हो कि पेपर किसने बनाया है, तो आप कहेंगे Who had set this paper? यानी इस पेपर को किसने सेट किया है या किसने बनाया है। आइए फ्रेंड्स, इन सब सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपको कहना पड़ता होगा कि इस साल मैं बीए पास हो जाऊंगा या इस साल मैं इंटरमीडिएट पास कर लूंगा। तो अगर आपको कहना हो कि इस साल मैं बीए पास कर लूंगा, तो आप कहेंगे आई पास माई बीए दिस ईयर, यानी इस साल मैं अपना बीए पास कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि आप घर पर पढ़ने बैठते हो और कोई गेस्ट आ जाते हैं या मोहल्ले में कोई शोर शराबा होने लगता है, तो आपको कहना पड़ता है कि आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। तो अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स कि आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ सका, तो आप कहेंगे आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे, यानी आज मैंने थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका। फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम चल रहा है और बच्चों को ये सेंटेंसेस तो जरूर बोलने पड़ते होंगे, द क्वेश्चन इज वेरी इजी या द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, तो वो कहते होंगे कि सवाल बहुत आसान है या प्रश्न बहुत आसान है। तो अगर आपको कहना हो कि सवाल बहुत आसान है, तो आप कहेंगे द क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि सवाल बहुत मुश्किल है, तो आप कहेंगे द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। जब हम ऐसा कहते हैं कि सवाल बहुत आसान है या सवाल बहुत मुश्किल है, तो अक्सर इसके बाद हम कहते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। कई बार ये भी कहते हैं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं पास हो जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल डेफिनेटली पास या आई विल श्योरली पास या आई विल सर्टेनली पास। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल डेफिनेटली फेल या आई विल श्योरली फेल या आई विल सर्टेनली फेल। फ्रेंड्स, अक्सर एक स्टूडेंट को कहना पड़ता है कि मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं या मैं हिंदी में कमजोर हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं हिंदी में कमजोर हूं, तो आप कहेंगे आई एम वीक इन हिंदी, वह अंग्रेजी में कमजोर है, ही इज वीक इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, अक्सर हमें डेली लाइफ में कहना होता है कि आजकल
क्लासेज जल्दी चल रहे हैं या आजकल क्लासेज जल्दी शुरू हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आजकल क्लासेज जल्दी चल रही हैं, तो आप कहेंगे क्लासेज स्टार्ट अर्ली दीज डेज या क्लासेज स्टार्ट अर्ली नाउ अ डेज, यानी इन दिनों क्लासेज जल्दी शुरू हो जा रही है, जल्दी स्टार्ट हो जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हो, तो आप कहेंगे Why don't you let me read? अगर आपको कहना हो कि आप उसको पढ़ने क्यों नहीं देते हैं, तो आप कहेंगे Why don't you let her read? अगर आपको कहना हो उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो आप कहेंगे He did not let me read. फ्रेंड्स, अक्सर एक स्टूडेंट को पूछना पड़ता है क्या हाजिरी लग गई, तो आप कहेंगे Has the roll been called? यानी क्या हाजिरी लग गई। फ्रेंड्स, अक्सर टीचर कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट पूरी क्लास का नाम रोशन करता है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट पूरी क्लास का नाम रोशन करता है, तो आप कहेंगे A good student brings credit to his class. यानी एक अच्छा स्टूडेंट पूरी क्लास का रौनक हो जाता है या पूरी क्लास का नाम रोशन करता है। फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट को यह बोलना पड़ता है कि हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया या प्रिंसिपल साहब ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। तो अगर आपको कहना हो कि हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया, तो आप कहेंगे द हेडमास्टर एग्जाम्पेड माय फाइन। हेडमास्टर साहब ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। आइए फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कई बार आपको पूछना पड़ता है कि तुमने क्या लिया है, यानी तुमने साइंस लिया है या आर्ट्स। तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट है या साइंस के, तो आप कहेंगे हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस, यानी तुमने क्या ऑफर किया है, साइंस या आर्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैंने हिंदी उर्दू और अंग्रेजी लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑफर्ड हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स, अक्सर आपको पूछना पड़ता है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, अक्सर हमें कहना पड़ता है कि मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ, तो अगर आपको कहना हो कि मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, यानी मैं इस कॉलेज में पिछले 2 साल से हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।